बीवी बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और शौहर इसको बार बार अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि इसने अंगूठी टेबल पर रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शोहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी, बीवी से तमाचा बर्दाश्त ना हुआ, वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शोहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शोहर ने इसे जवाब दिया। इस जवाब को दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो इसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था इसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी रख देती थी और एक खाली टोकरी ढककर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं बेटा, तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह दिया करता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खाकर पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर पहुंचकर अंगूठी की भूखी कैसे हो सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो माँ की तड़प को गुज़िश्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा इसकी आधी रोटी का फर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, माँ बाप से बढ़कर कोई भी रिश्ता इस दुनिया में आपके लिए अजीम नहीं हो सकता। माँ बाप ही इस दुनिया में सबसे खालिस और मुखलिस रिश्ता है। अपने माँ बाप की कदर किया करें।